आदिवासियों की जमीन ही सरकार को दिखती है। आदिवासियों को गाय भैंस समझ रखा है क्या? जहाँ से वो अभी से बैठा हुआ है, और पहलों के टाइम से बैठा हुआ है, पूर्वजों के टाइम से बैठा हुआ है, कई पीढ़ियों से बैठा हुआ है, उसको वहाँ से भगा दोगे क्या? उसको बिना पूछे वोट लेने होते हैं उस समय कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आदिवासियों के वोट लेने उस समय सब आते हैं। आज जब उनको विस्थापित किया जा रहा, हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? हमारी जमीन का, हमारी जमीन है, हमारे पूर्वज आज़ादी के समय से बहुत पहले से बैठे हुए यहाँ पे, हमारी पीढ़ियों से बैठे हुए हाथ यहाँ पे, हमको बस विस्थापित किया जा रहा है कि हम कोई कहीं और पानी देने के लिए हमको यहाँ से भगा देंगे, यहाँ डैम बनाएंगे और पानी कहीं और देंगे। ऐसा अन्याय हमारे साथ में क्यों? क्योंकि सरकारों को पता है आदिवासी भोले हैं, आदिवासी अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए बोलते नहीं है। इनको तो कहीं भी उठा देंगे और यहाँ बिस्तर लेके चले जाएंगे और यहाँ पे डैम बना देंगे। यही चाहती है ना सरकार है, सरकारों की। हमारे जब कई बड़ी बड़ी रोडें बनती है आदिवासी, जब कोई डैम बनते हैं आदिवासी क्यों भाई दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए हमारे गरीबों को उठाओगे और उठ के कहाँ जाओगे? आज जब तक सरकार का कोई भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि कोई भी यहाँ पे आके लिखित में हमको नहीं देता है कि हम आपका मान नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर केस करना हो तो कर देना, कोई अगर रिकॉर्डिंग करना हो मीडिया।